सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आज हम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर का फुल रिवीजन यहां पर करने वाले हैं। और ये सारे वो नोट्स हैं दोस्तों जो हम अपनी क्लास के अंदर यूज करते हैं, और आप लोगों का जो एग्जाम है उसके लिए ये बहुत रेलिवेंट होने वाले हैं। आप लोग इनको जरूर पढ़कर जाइएगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अच्छा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर हमारा रेगुलर क्लास चाहिए सीए इंटर के लिए या सीएस के लिए या सीएमए के लिए, तो एक्सक्लूसिव क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप हमारा क्लास भी ले सकते हो। तो सबसे पहली बात है भाई, सेक्शन 22 से ये चैप्टर शुरू होता है, छोटा सा चैप्टर है। और पहला जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है दोस्तों ऑन व्हाट बेसिस द इनकम इज लाइबल फॉर टैक्स, किस आधार पर इनकम को हम लोग टैक्सेबल करेंगे। तो लॉ में लिखा है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, हमेशा प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू दोस्तों यहां पर टैक्सेबल होता है। बिल्डिंग और लैंड एप्रीएंट थेयर टू, दोस्तों यहां पर खाली लैंड की बात नहीं हो रही है, कोई ना कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ होना चाहिए। तो जो भी बिल्डिंग है या लैंड एप्रीएंट थेयर टू है, जो भी प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसका एनुअल वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और वो जो एनुअल वैल्यू होगा दोस्तों दैट इज कॉल्ड इनकम लाइबल फॉर टैक्स अंडर दिस चैप्टर। दोस्तों एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको एक्चुअल रेंट पर नहीं भी दे रखा है तो भी दोस्तों इनकम नॉशनल बेसिस पर क्या होगी, टैक्सेबल। क्योंकि लॉ कहता है कि अगर आप किसी इनकम को कमा सकते हो, खाली मकान भी भाई आपको किराया तो कमा कर दे सकता है ना, उसका कोई ना कोई एनुअल वैल्यू होगा। तो यहां पर जो मकान खाली पड़े हैं जिनसे भले ही आपको एक रुपया का भी एक्चुअल रेंट नहीं आ रहा हो, दैट इज ऑल्सो लाइबल फॉर टैक्स। तो ये इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी चैप्टर में जब आप इनकम एक्चुअल में कमाते हो तो ही टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप नहीं भी कमाओगे तो दोस्तों एक मकान आपको कितना कमा कर दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा दैट शुड बी द इनकम, आपको कितनी कमाई मिल सकती है। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस। आप कमा नहीं रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उससे कमा सकते थे दोस्तों तो दैट इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू एंड इट इज लाइबल फॉर टैक्स माई डियर फ्रेंड, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा खाली लैंड नहीं होनी चाहिए, अगर आपके पास खाली जमीन है और आप उससे रेंट अर्न करते हो दोस्तों तो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। खाली जमीन से रेंट कमाना टैक्सेबल तो है, लेकिन दोस्तों इस चैप्टर में नहीं है, वो अदर सोर्स में जाएगा। बिल्डिंग अगर अटैच है जमीन के साथ, देन आप पूरी लैंड और बिल्डिंग को दे दो, सारा का सारा रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अच्छा यहां पर बिल्डिंग का क्या होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, बिल्डिंग आपकी खुद की होनी चाहिए भाई, तभी उसका रेंटल इनकम टैक्सेबल है। अगर आप किसी से बिल्डिंग किराए पर लिए हो और फिर आप आगे किसी और को किराए पर दे दिए हो तो आप जो इनकम कमाओगे दोस्तों वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। फिर आपका इनकम या तो बिजनेस इनकम माना जाएगा कि आप रेंट पर देने का बिजनेस करते हो, या इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन वो यहां नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों सेक्शन 22 दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन, कि वो हाउस प्रॉपर्टी आपके खुद के बिजनेस में काम नहीं आनी चाहिए। जब हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों खुद के बिजनेस में काम आती है तो भी उसका एनुअल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग दोस्तों बिल्डर लोग होते हैं, उनके पास बिल्डिंग होती है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, और ये बिल्डिंग दोस्तों उनका स्टॉक होती है, स्टॉक। तो दोस्तों जब जब बिल्डिंग एज अ स्टॉक आपके पास पड़ी होगी तो भी हम उसका एनुअल वैल्यू यहां पर टैक्सेबल नहीं करेंगे दोस्तों, हम उसका एनुअल वैल्यू यहां पर टैक्सेबल नहीं करेंगे, राइट। कंपोजिट रेंट,
अगर आपने रेंटल इनकम कमाया है माय डियर फ्रेंड, रेंटल इनकम, तो जब बिल्डर के पास एज ए स्टॉक बिल्डिंग पड़ी होती है तो उसका रेंटल इनकम नॉशनल बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होता। उसके लिए आगे लॉ आने वाला है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। कंपोजिट रेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कंपोजिट रेंट आखिर में क्या है? कंपोजिट रेंट का मतलब है इफ यू लेट आउट द बिल्डिंग टू एनी अदर पर्सन और साथ में आपको दूसरी चीजों का भी किराया मिल रहा है, आपको दूसरी चीजों का भी कंसिडरेशन मिल रहा है, लाइक लिफ्ट हो गई, आपको लिफ्ट का पैसा मिल रहा है किराए का, आपको सिक्योरिटी का पैसा मिल रहा है, तो अगर अन्य सुविधाएं जो अदर फैसिलिटीज होती है उससे भी आप कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे हो और बिल्डिंग का रेंट आपके पास आ ही रहा है, तो दोस्तों यहां पर दो बातें याद रखना। अगर उसको सेपरेट करना पॉसिबल है, इफ इट इज सेपरेटेबल, तो बिल्डिंग का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, लेकिन बाकी चीज का रेंट कहां जाएगा? पीजीबीपी या अदर सोर्स में जाएगा। और अगर उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो एंटायर रेंट, पूरा का पूरा किराया जो है, एंटायर रेंट विल बी पीजीबीपी इनकम और अदर सोर्स, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बनवाया था, हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने का फिक्स फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ता है, और ये कैसे निकलता है, ये सेक्शन 23 में दिया गया है। जितना आपने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया है, अच्छा पे किसने किया हो भाई? ओनर ने पे किया हो, ओनर ने, मकान के ओनर ने, और पेड होगा तो ही डिडक्शन मिलेगी, ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। तो जितना म्युनिसिपल टैक्स आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे करोगे वो माइनस कर दो, जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। ये प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, वैसे नॉर्मली प्लस में आता है। अच्छा, इसमें से आप क्लेम कर लो भाई क्या, डिडक्शन क्लेम कर लो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिलेगा, दो तरह के डिडक्शन मिलते हैं। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों फिक्स है, ये मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपको मिलता है एनएवी का 30%, ये लॉ में फिक्स है। पर ये तभी लेना दोस्तों जब एनएवी पॉजिटिव हो। अगर एनएवी नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना, क्योंकि पहले से नेगेटिव, फिर उसका 30% भी नेगेटिव, करना भी माइनस है, तो पता चला माइनस माइनस कहीं प्लस नहीं हो जाए। दूसरी बात है भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन लोन। मकान को खरीदने, बनाने, उसको रिपेयर करने के लिए अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी एज अ डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो भी मिलेगा, इंटरेस्ट पेड है तो भी मिलेगा, इंटरेस्ट कैन बी डिडक्टेड। द फाइनल अमाउंट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इट मे बी इन पॉजिटिव और इट मे बी इन नेगेटिव, कैसे भी आ सकता है दोस्तों। अब सबसे पहली बात है भाई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है सेक्शन 23 में। इसका सबसे सिंपल केस होता है दोस्तों जब आपका मकान पूरे 12 महीने लेट आउट रहता है, एक दिन भी खाली ना रहा हो। तो देखो, जीएवी निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। जीएवी निकालने के लिए तीन चीजें आपके क्वेश्चन में होती है। एक तो होता है म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल रेंट, एक होता है फेयर रेंट, और एक होता है स्टैंडर्ड रेंट। ये आपको कभी भी निकालने नहीं पड़ते दोस्तों, इट इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। सबसे पहला काम होता है म्युनिसिपल रेंट को फेयर रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज हाइयर, दोनों में से ज्यादा क्या है, और जो भी दोनों में से ज्यादा निकल कर आएगा ना दोस्तों, उसे आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर। अच्छा, जो भी लोअर होगा उसे हम बोलेंगे यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले फेयर और म्युनिसिपल में से हायर निकाल लो, फिर दोस्तों उस हायर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर, उसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। पहले हायर और फिर लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। फिर दोस्तों एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना पड़ता है, किससे कंपेयर करना पड़ता है, एक्चुअल रेंट से। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है दोस्तों तो तब तो जीएवी एक्चुअल रेंट को ही बना दो, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, अब ये जानना जरूरी है कि कम क्यों है। अगर वो ड्यू टू द वैकेंसी कम है भाई, वैसे कम नहीं है, वैसे एक्चुअल रेंट कम नहीं है, लेकिन अगर वो ड्यू टू वैकेंसी कम है, वो तो आप जब प्रोपोर्शनेट करोगे एक्सपेक्टेड रेंट को तो आपको पता लग जाएगा। अगर एक्चुअल रेंट कम तो आ रहा है लेकिन वो ड्यू टू वैकेंसी कम आ रहा है, तब तो दोस्तों हम एक्चुअल रेंट को ही जीएवी बनाएंगे।
लेकिन अगर एक्चुअल रेंट रियली में कम है, हमने प्रोपोर्शनेट करके भी देखा लेकिन फिर भी एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तो दोस्तों फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी बनाएंगे। और यही बात यहां पर लिखी गई है, म्युनिसिपल और फेयर में से जो ज्यादा हो, लेकिन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड से, उसे हम बोलते हैं भाई एक्सपेक्टेड रेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है दोस्तों, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिसीवेबल है तो भी कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो दोस्तों, और जो भी दोनों में से हाइयर होगा ना, जो भी दोनों में से हाइयर होगा, उसे हम यहां पर जीएवी बोलकर चलेंगे दोस्तों, उसे हम यहां पर जीएवी बोलकर चलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अनरियलाइज रेंट की। अनरियलाइज रेंट क्या होता है दोस्तों? अनरियलाइज रेंट क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अनरियलाइज रेंट का मतलब है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज नॉट बीइंग ऑफ कैपेबल ऑफ रियलाइज। अरे आपने मकान किराए पर दे दिया लेकिन किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा, और वो टेनेंसी बोनाफाइड है, डिफॉल्टिंग टेनेंट से आप मकान भी खाली कराना चाहते हो, डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में किराए पर नहीं होना चाहिए, और असेसी ने सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो दोस्तों अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से हट जाता है। अगर पहले से हटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसको हटा दो। और एक्चुअल में से अनरियलाइज रेंट को हटाने के बाद जो भी एक्चुअल रेंट बच रहा हो भाई, उससे कंपेयर करो किसको? एक्सपेक्टेड रेंट को। तो एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज वाला जो रेंट होगा वो हट जाएगा, और बाकी का जो एक्चुअल रेंट बचेगा उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे, और जो भी दोनों में से हाइयर आएगा भाई, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जीएवी कैसे निकलती है। तो मैं बता दूं भाई, जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं, सेल्फ का मतलब है खुद के रहने के काम आते हैं, या वो अनऑक्यूपाइड रह जाते हैं ड्यू टू कि आपका बिजनेस, आपकी जॉब किसी दूसरे जगह पर है, दूसरे प्लेस पर है, तो जो मकान खुद के रहने के काम आएंगे पूरे 12 मंथ्स, एक दिन भी रेंट पर मत देना। या आपके रहने के काम इसलिए नहीं आ पाए भाई, आपका जॉब कहीं बाहर चल रहा है, आपका बिजनेस कहीं बाहर चल रहा है, तो ऐसे मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड कहलाते हैं। और मैं आपको बता दूं, उनकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है ना, दैट इज निल। उन मकानों का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा निल होता है दोस्तों। अच्छा, ऐसे मकान कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक और ज्यादा से ज्यादा दो। आपके पास अगर 10 मकान हैं और आप कहते हो जी मैं तो 10 में रहता हूं, और हो सकता है रहता भी हो, लेकिन क्या 10 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड बनेंगे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बन सकते हैं। तो सर फिर बाकी 8 मकान हमने तो किराए पर भी नहीं दिया, डीम्ड टू बी लेट आउट। बाकी सारी प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाता है, तो जीएवी निल होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की। और कितने मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड बनेंगे? या तो 1 या मैक्सिमम 2। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स अगर पे भी किया होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज जीएवी 0 है। अच्छा, एनएवी भी निल। अच्छा, निल में से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल ही आएगा, क्योंकि निल का 30% भी निल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन का आप क्या ले सकते हो डिडक्शन? जब आपका मकान दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, जिससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव इनकम दूसरी पॉजिटिव इनकम को सेट ऑफ करने में काम आती है। बस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस होते हैं, भाई, उनके लोन का जब आप इंटरेस्ट का क्या लेते हो डिडक्शन, तो वहां पर कानून के अंदर लिमिट बताई गई है, लिमिट, और आपको उस लिमिट से ज्यादा डिडक्शन कोई नहीं देगा। देयर आर सम मॉनेटरी लिमिट माई डियर फ्रेंड।
आप उस लिमिट से ज्यादा डिडक्शन नहीं ले पाओगे। लिमिट क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। सेकेंड पॉइंट, फिर आ जाओ असेसेबल वैल्यू। थर्ड पॉइंट असेसेबल, मैं भी आपको क्या निकालना सिखा रहा हूँ, एनुअल वैल्यू, क्योंकि जीएवी निकालना अगर आपको आ गया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इस चैप्टर में दोस्तों दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको जीएवी निकालना आना चाहिए, एक तो आपको जीएवी निकालना आना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है भाई आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे लेना है वो आपको आना चाहिए, बस। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। तो दो से ज्यादा मकान अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं तो लॉ कहता है भाई उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकाली, मतलब दो मकान की तो नहीं होगी, बाकी सारे मकान डीम्ड टू बी लेट आउट माने जाएंगे, लिखा हुआ है। अब जब मकान डीम्ड टू बी लेट आउट है तो दोस्तों उनका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। सर उनका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, बिकॉज एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं। अरे एक्चुअल नहीं है तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मान लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर सपोज करो आप बिल्डर हो, आप मकान बनाते हो, फ्लैट बनाते हो, बेचते हो, और आप कह रहे हो भाई ये फ्लैट तो मेरा स्टॉक है, ये तो मेरा बिकेगा जब बिकेगा, भाई मेरा स्टॉक है, तो लॉ ने बोला कि जिस दिन मकान के काम या फ्लैट या प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से, किसी भी ईयर में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जावे, कंप्लीट होने के दिन से मत गिनना, जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से दो साल, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से दो साल, ये जो दो साल तक का पीरियड है भाई, इसके अंदर जो स्टॉक इन ट्रेड होता है उसको हम टैक्सेबल नहीं करते। दो साल तक का जो पीरियड होता है, दो साल तक का, वहां पर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू उन दोनों दो सालों तक कितने भी मकान हो, कितना भी स्टॉक हो, उसका जीएवी निल होता है। तो सरकार को ये रूल इसलिए बनाना पड़ा भाई, वरना स्टॉक में पड़े मकानों की भी जीएवी क्या हो जाती, टैक्सेबल। अगर मकान का एक पोर्शन लेट आउट और दूसरा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोस्तों ऐसे मकानों को सेपरेट हाउस माना जाता है, और जितना जितना एरिया है, स्पेस है, उसके हिसाब से जीएवी निकलती है। एक पोर्शन को अलग मकान मानना पड़ता है, दूसरे पोर्शन को दूसरा मकान मानना पड़ता है, और उसको डिवाइड करना पड़ता है। सेक्शन 24 में यू कैन गेट डिडक्शंस, पहला है फिक्स 30% ऑफ एनएवी, स्टैंडर्ड है, और एनएवी अगर पॉजिटिव होगी तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है भाई मकान को खरीदने, बनाने, रिपेयर करने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो लोन पर जितना इंटरेस्ट बनता है दैट इज ऑल्सो अलाउेबल। अच्छा, लोन का इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और दोस्तों दूसरा होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा भाई, कहां से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं, वो स्टार्ट होगा डेट ऑफ टेकिंग लोन, जिस दिन लोन दिया गया है वहां से स्टार्ट करो, और जिस ईयर में मकान का काम पूरा हो गया है उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च, जिस ईयर में मकान का काम पूरा हो गया है उससे पहले वाला 31 मार्च, यहां तक का पीरियड होता है प्री। अच्छा, आपका काम होता है पहले प्री पीरियड का इंटरेस्ट निकालो, 10 महीने, 20 महीने, 50 महीने, जितने भी हैं, और उसमें भाई साहब 5 इंस्टॉलमेंट का डिवाइड कर दो और 5 इंस्टॉलमेंट बना लो। लेकिन ये जो प्री पीरियड की डिडक्शन है दोस्तों, ये प्री में नहीं मिलती, ये पोस्ट पीरियड में मिलती है। पोस्ट पीरियड कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से प्री खत्म होता है वहाँ से पोस्ट शुरू हो जाता है, और जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक आपका पोस्ट पीरियड चलेगा। डेट ऑफ फुल रीपेमेंट ऑफ लोन, जब तक आप लोन का पूरा रीपेमेंट नहीं कर देंगे तब तक दोस्तों ये पोस्ट पीरियड चलता है। तो प्री पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, प्री पीरियड होता है भाई साहब लोन लेने के दिन से, और जिस ईयर में मकान का काम पूरा हुआ है उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च। अच्छा, उसके बाद का सारा पीरियड पोस्ट है। अगर आपका लोन पोस्ट पीरियड में भी चलता है
तो ध्यान रखना पोस्ट पीरियड की डिडक्शन तो पोस्ट पीरियड में ही मिल जाती है, जितना जितना इंटरेस्ट बनेगा उतना उतना मिल जाएगा उस ईयर में। लेकिन दोस्तों जो प्री पीरियड में आपने इंटरेस्ट निकाला था, जिसकी आपने 5 इंस्टॉलमेंट बनाई थी, वो भी आपको पोस्ट पीरियड में ही मिलेगा। प्री पीरियड के इंटरेस्ट का डिडक्शन हमेशा पोस्ट पीरियड में ही मिलता है। ये सारी बात आपको समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्री पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा दैट शुड बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों ये बराबर की 5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, और पोस्ट पीरियड का डिडक्शन जो भी रेलिवेंट पोस्ट पीरियड है उसमें मिलेगा। तो अगर मकान लेट आउट है तो 30% डिडक्शन तो आप लोगे ही लोगे, इंटरेस्ट की पूरी डिडक्शन आपको मिलेगी मिलेगी। हाँ, अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहां पर जब आप इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते हो तो ध्यान रखना सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल तो जाता है, लेकिन दोस्तों वहां पर लिमिट बताई गई है और आप 30,000 से ज्यादा इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं ले सकते। इफ लोन इज टेकन फॉर रिपेयर रिनेवल रिकंस्ट्रक्शन, तो मकान के लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको 30,000 से ज्यादा एक साल में नहीं मिलेगा, चाहे एक प्रॉपर्टी हो या दो हो। भाई ऐसा नहीं है कि दो प्रॉपर्टी है तो दोनों का 30,000, ना, टोटल डिडक्शन 30,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, लोन अगर आपने मकान को एक्वायर करने या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है, बनाने के लिए या खरीदने के लिए, तो दोस्तों ध्यान रखना अगर लोन 1/4/1999 से पहले का था, अगर लोन 1/4/99 से पहले का है तो उस लोन के इंटरेस्ट की मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30 ही मिलेगी। हाँ, अगर लोन 1/4/99 या उसके बाद का है, मकान को बनाने या खरीदने के लिए लोन है, रिपेयर नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है भाई, जिस ईयर में लोन लिए हो, जिस ईयर में लोन लिए हो उस ईयर के एंड से 5 साल में आपका काम पूरा हो जाए, बैंक से आप सर्टिफिकेट ले लो, अगर ये तमाम कंडीशन पूरी होगी तो लिमिट 2,00,000 रहेगी, फिर आप 2,00,000 रुपए तक का इंटरेस्ट रिडक्शन में ले सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान पे, चाहे ये लोन एक मकान के लिए लिया गया हो या दो मकानों के लिए लिया गया हो। अच्छा, पहले भी लोन है बाद में भी लोन है, ध्यान रखना दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान पर मैक्सिमम डिडक्शन 2,00,000 से ज्यादा तो कभी नहीं मिल सकता। अगर आपने कभी ले भी लिया होगा ना तो ये मान लेना गलत है, वो 2,00,000 से ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिट वुड नॉट अप्लाई टू लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट पर कितना भी इंटरेस्ट हो भाई डिडक्शन मिलता है, दिस लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दूसरी बात है, इंटरेस्ट का डिडक्शन ड्यू बेसिस पर भी मिलता है, पे करना जरूरी नहीं है। दोस्तों अगर ब्याज पर ब्याज लग जाएगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। और जो अनपेड परचेज प्राइस होती है उसे भी हम लोन ही मानते हैं, उसे भी हम लोन ही मानते हैं। सेक्शन 25 क्या कहता है, इन एडमिसेबल डिडक्शंस। अगर आपने इंडिया के बाहर लोन का पेमेंट किया है और आप इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट करना भूल जाते हो और इंडिया में उस सामने वाले पेई का कोई पर्सन यहां पर नहीं है, तो भाई साहब वो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। सेक्शन 25A, अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट का रिकवरी। दोस्तों अगर अनरियलाइज रेंट है या एरियर ऑफ रेंट है, जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। 30% डिडक्शन लेना मत भूल जाना भाई, 30% डिडक्शन आप यहां पर भी ले सकते हो, चाहे से असेसी मकान का मालिक हो या असेसी मकान का मालिक ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाती है भाई रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट। को ओन्ड प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, को ओन्ड प्रॉपर्टी, तो अगर प्रॉपर्टी के मालिक एक से ज्यादा हैं और अगर मकान सेल्फ है, तो भाई साहब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग भी है यहां पर, कि जितने को ओनर होंगे उनमें इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो लिमिट का यूज है 30,000 या 2,00,000 वॉट एवर द लिमिट, उसका बेनिफिट हर ओनर को मिलता है। ध्यान से सुन लो मेरी बात,
ये जो लिमिट है ना 30,000 और 2 लाख वाली, इसका बेनिफिट हर को ओनर को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही को मिलेगा, हर को ओनर को मिलेगा डियर। हाँ, अगर मकान लेट आउट है तो लेट आउट में आप लोग इनकम निकालोगे ऐसे मानते हुए कि मकान का एक ही बंदा मालिक है। जब डिडक्शन विडक्शन लेने के बाद फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी टैक्सेबल वाली, तो उसे हम हर को ओनर के हिस्से में बांट देंगे और एवरी को ओनर अपनी रेंटल इनकम को शो करेगा अपनी रिटर्न में। लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का 27 डीम्ड ओनरशिप। आप अगर मकान के मालिक हो तभी रेंटल इनकम यहां टैक्सेबल होती है। मैं आपको वो केस बताऊंगा जहां पर आप मकान के मालिक नहीं भी हो तो भी दोस्तों आपको ओनर माना जाएगा, ताकि सरकार आपसे टैक्स ले सके। जैसे पहला पॉइंट है, कोई भी बंदा स्पाउस को विदाउट कंसीडरेशन या इन एडिक्वेट कंसीडरेशन के बदले में अगर स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट, तो उससे होने वाली इनकम हमेशा ट्रांसफरर के हैंड्स में ही टैक्सेबल होती है, ट्रांसफरर के। ऐसे ही दोस्तों माइनर चाइल्ड को अगर आप प्रॉपर्टी दोगे तो चाहे मालिक माइनर चाइल्ड हो लेकिन उस प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, फादर या मदर जिसने प्रॉपर्टी दी है। ऐसे ही दोस्तों अगर इम्पार्टिएबल एस्टेट है, किसी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जो माइनर चाइल्ड वर्ड मैंने बोला है ना, इसमें माइनर मैरिड डॉटर को मैंने एक्सेप्ट करके लिखा है, एक्सक्लूड करके लिखा है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अगर माइनर मैरिड डॉटर को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, अगर माइनर मैरिड डॉटर को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वो रेंटल इनकम माइनर मैरिड डॉटर के हैंड्स में ही क्या होती है, टैक्सेबल। वही हम उसको टैक्सेबल करेंगे। जितने भी इम्पार्टिएबल एस्टेट होते हैं, ऐसी संपत्ति जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, तो जिस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ भाई, जो इम्पार्टिएबल एस्टेट है, आप उसके होल्डर बने हुए हो, वहां आप कब्जा करके बैठे हो, तो आप ही को डीम्ड ओनर माना जाएगा और आप ही के हैंड्स में प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम क्या होगा, टैक्सेबल। अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो और वो सोसाइटी आपको मकान अलॉट करी है तो आपको ही डीम्ड ओनर माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पजेशन में है दोस्तों, आपने अभी तक अपने नाम उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया है लेकिन आप पैसा देकर उसे अपने पजेशन में ले चुके हो, तो भी माय डियर फ्रेंड रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी। जो पजेशन लेकर बैठा है भाई, वही डीम्ड ओनर माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर लीज पीरियड यहां पर 12 साल से ज्यादा है, अगर लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा है तो लेसी को जो रेंट मिलेगा, लेसर ने प्रॉपर्टी लीज पर दी लेसी को 12 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो लेसी शुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। लेसी जो किराया कमाएगी या जो भी इनकम कमाएगी, दैट शुड बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा होता है तो हम लेसी को डीम्ड ओनर मानते हैं, लेकिन ये हम तभी करते हैं भाई जब लीज का रिन्यूअल मंथ टू मंथ बेसिस पर या नॉट मोर देन वन ईयर है तो डीम्ड ओनर नहीं बनेगा। मतलब दो कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा हो और लीज का जो रिन्यूअल होता है वो हर एक साल के बाद हो, एक साल से ज्यादा, एक साल नहीं एक साल से कम नहीं। तो दो कंडीशन पूरी करने पर डीम्ड ओनर बनते हैं, लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन 12 या 12 से ज्यादा होना चाहिए, और रिन्यूअल 1 ईयर से ज्यादा अगर होगा तो लेसी शुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। तो दोस्तों ये चैप्टर का हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, अब हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के। ठीक है भाई, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। चैनल पर बहुत सारी चीजें आने वाली है, लाइक शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट कर लेना दोस्तों, बहुत सारा नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।